A day in my life without any filters. Hello guys! This was one of the most requested videos of this channel. I know आप में से काफी लोग जानना चाहते थे कि मेरा दिन लगता कैसा है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपनी 9-to-5 जॉब के साथ, सोशल मीडिया, दो दो यूट्यूब चैनल एंड उसके साथ इंस्टाग्राम. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी लाइफ कितनी ज्यादा बोरिंग है ऑन अ लिटरल सेंस. एंड ऑफकोर्स बाकी लोगों की तरह मैं रोज बाहर घूमने नहीं जाती, शॉपिंग करने नहीं जाती, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करती. इट इज ऑल अबाउट वर्क वर्क एंड वर्क. इनिशियली मुझे ऐसा लगा मेरी लाइफ में कुछ बताने के लिए है ही नहीं, दिखाने के लिए है ही नहीं, मैं क्या करूंगी इस वीडियो में. बट देन आई थॉट यार कर लेते हैं ये भी. ऑल्सो मुझे ये भी डर लग रहा था कि पीपल आर गोइंग टू जज मी कि यार क्या था ये. एंड वहीं पे मुझे कोई फेक फैंसी सी लाइफ नहीं दिखानी थी, अपनी एक फेक सी वीडियो नहीं बनानी थी. माई लाइफ इज वेरी नॉर्मल, जिस तरीके से आप लोगों की भी होती है यार. इट इज अ पॉसिबिलिटी आपकी मुझसे ज्यादा एक्साइटिंग हो. This is how a 9-to-5 job करने वाली and content creator की life looks like. This is gonna be 100% real. Trust me on this. Disclaimer, यहाँ पे मैं अपनी complaints करने या दुख बताने नहीं आई हूँ कि अरे यार मेरे पास तो बड़ा काम है, मेरे पास life ही नहीं है, मैं तो यही करती रहती हूँ. I just enjoy doing work and that is why मैंने अपने आप को इतनी सारी चीजों में घुसा रखा है literal sense में. I'm not complaining. I'm really happy. I'm really grateful because मुझे लगता है life में जो भी मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है ये सब bonus है मेरे लिए. मैं बहुत बिलीव करती हूँ हार्डवर्क में एंड मुझे लगता है कि जो चीज आपके लिए बनी भी नहीं है ना, आपको वो मिल सकती है अगर आप मेहनत करो तो. बट बादाम के छिलके छीलना इज द वर्स्ट थिंग. I personally don't like this work. मुझे बहुत आलस आता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है करते हुए. I know ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा एंड शिटी इन्फॉर्मेशन थी, बट anyway. Of course, I am no different. 100 बारी मैं फोन चेक करती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, बट I do control myself a lot. Parallelly, मैं हमेशा रात को सोने से पहले अपनी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बनाती हूँ, जिसमें मैं टास्क लिखती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है. मैं उसको भी बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, टिक करती रहती हूँ. टुडे आई एम नॉट शूटिंग इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड ऑल माई शूट्स. I'll see you in a bit. अगर कोई इंपॉर्टेंट शूट्स होते हैं तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के उन्हें कम्प्लीट कर लेती हूँ बिकॉज मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो थोड़ी देर से शुरू होता है. So usually what I do is मैं अच्छा टॉप पहन लेती हूँ, उसके नीचे कोई पजामा पहन लेती हूँ, कुछ भी ऐसे जो घर पे पहन के कंफर्टेबल फील होता है, स्कर्ट पहन लेती हूँ. इतने रैंडम कॉम्बिनेशंस पहनती हूँ मैं बता नहीं सकती. बट बिकॉज आई न्यू कि आप लोग मुझे देख रहे होगे तो इसके आज मैं थोड़ा तमीज से ड्रेसअप हो गई हूँ. आई मीन नीचे से मैंने पैंट्स पहन ली है कि सब कुछ ऑनलाइन होता है, इससे नीचे कोई आपको देख नहीं सकता. सो बट आज मेरे को लगा कि यार इतने सारे लोग देखेंगे तो थोड़ा सा तो ऐसे तमीज होनी चाहिए ना शुभांगी. दिस इज एक्चुअली माई मॉर्निंग रूटीन. मैं थोड़ा स्किन केयर करती हूँ. हाँ मैं मेकअप अप्लाई नहीं करती, बट मैं लिप ग्लॉस एंड मस्कारा जरूर अप्लाई करती हूँ, जिससे ऑफिस कॉल्स में मैं थोड़ी जगी हुई एंड फ्रेश लगूं. हियर आई एम यूजिंग मामा अर्थ स्लैश केयर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. इट प्रोवाइड्स 2x इंस्टेंट वॉल्यूम. कैन यू स्पॉट द डिफरेंस हियर? एंड ये 12 घंटे तक रहता है तो मेरा काम आराम से चल जाता है. इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं आमंड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल व्हिच नरिशेस द लैशेस. एंड द बेस्ट पार्ट इज ये वाटर रेजिस्टेंट है एंड सेफ है फॉर एवरीडे यूज. यू कैन यूज माय कूपन कोड टू गेट 20% ऑफ ऑन मामा अर्थ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन. आपको ये प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट, नाइका एंड अमेजोन में भी मिल सकते हैं. बाय द वे आप जब भी कुछ भी मामा अर्थ से खरीदते हो, दे लिंक योर ऑर्डर टू द ट्री दे प्लांट व्हिच यू कैन ट्रैक थ्रू योर ऑर्डर. मामा अर्थ का प्लान है 2025 तक 1 million ट्रीज प्लांट करने का. मामा अर्थ ने रिसेंटली लॉन्च किया लॉयल्टी प्रोग्राम कॉल्ड गुडनेस इनसाइडर, जहाँ पे आपको फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट मिलेंगे हर ऑर्डर पे, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव सेल्स एंड ऑफर्स भी मिलेंगे विच विल ओनली बी फॉर द इनसाइडर्स. Link to become a goodness insider is also in the description. Go check it out. मैं हालांकि इतना पानी पीती नहीं हूँ, बट बिकॉज मैंने रिसेंटली एक क्यूट सा टम्बलर लिया है, मैं तब से कुछ ज्यादा ही पानी पी रही हूँ. क्या आपके साथ ऐसा होता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना. सो इन केस ऑफ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैंने सुबह से ही लैपटॉप ऑन कर लिया, मैं अपने ऑफिस का काम कर रही हूँ, दिस इज नॉट माई ऑफिस वर्क, दिस इज माई पर्सनल वर्क. मैं 1 बजे तक अपना पर्सनल काम करती हूँ एंड 1 बजे के बाद मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है, तो मैं दूसरा लैपटॉप लेके अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर देती हूँ. फॉर ऑल द बैकग्राउंड नॉइसेज आई एम रियली सॉरी, बिकॉज घर पे भी दिवाली वाली सफाई चल रही है तो बहुत हंगामा चल रहा है. एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग कि मैं 1 बजे से लॉग इन क्यों करती हूँ, दैट इज बिकॉज मेरा हाफ US टाइमिंग्स एंड हाफ इंडियन टाइमिंग्स को मैच करने के लिए 1 से 9 बजे का ऑफिस टाइमिंग्स है. इस ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क लाइफ बैलेंस काफी ज्यादा सॉर्टेड है. इसमें भी नहीं, मेरी पास्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रही है सब में बहुत ज्यादा अमेजिंग था. काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है 9-to-5 जॉब में कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होती है. आई एम लकी इन दैट वे, टच वुड यार. एंड देन उसके बाद मेरा लंच टाइम होता है. यूजुअली मैं लंच पहले भी कर लेती हूँ, ब्रंच कर लेती हूँ, बट आज मैं बाद में कर रही हूँ थोड़ा.
So I had my dal and normal si sabzi and roti. I think this is lauki ki sabzi. Chill, mujhe bhi bilkul nahi pasand, but kha rahi hu because I don't have any other option. So khana khane ke baad main wapas se kaam pe baithti hu. I have some calls to attend. Main UX ka kaam complete karti hu. Of course, I'm working on different projects. And once that is done, jab finally time aata hai, aaj thoda delay ho gaya. So main aaj first time aisa hua hai ki main dinner saath mein kar rahi hu laptop ke. Otherwise, main nahi karti hu. Main calls khatam hone ke baad hi karti hu. Additionally, मैं अपनी पोजीशन भी बहुत ज्यादा चेंज करती हूँ. कभी मैं टेबल पे काम करती हूँ, कभी मैं बेड पे काम करती हूँ, कभी मैं डिफरेंट रूम्स में मूव करके काम करती हूँ. ऑफिस का काम फाइनली हो चुका है. मैं थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती हूँ एंड देन उसके बाद इफ यू सी ईयर 10 बज चुके हैं एंड मैं जा रही हूँ अभी नानी के घर, क्योंकि मैं सुबह से एक बार भी नानी से मिलने नहीं गई. सो यार, मैं एक दिन में यूजुअली 2 से 3 बार चली ही जाती हूँ नानी के पास. मतलब एटलीस्ट एक बार तो जाती हूँ नानी नानू से मिलने. नेक्स्ट डे करवा चौथ था, सो आई थॉट कि मैं नानी के जल्दी से मेहंदी लगा लूँ. हालांकि मैं बचपन से ही मैं ही नानी की मेहंदी लगाती आई हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे पसंद था, नानी को मुझसे लगवाना पसंद था. बट मुझसे मेहंदी लगवाना काफ़ी ज़्यादा पेशेंस का काम है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत बकवास करती हूँ. हम लोग टीवी देखने लग जाते हैं, मैं बहुत आराम आराम से करती हूँ, सो सब इरिटेट हो जाते हैं मुझसे. बट anyway, नानी की मेहंदी लगाने के बाद, सबसे मिलने के बाद, मैं वापस घर गई. आई डोंट नो वाई मुझे आज इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है. थॉट मैं यूजुअली ये नहीं करती, बट मैं फटाफट अनियन काट के इसमें भुजिया डाल के खाऊंगी, बिकॉज आई डोंट नो, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ एंड मैं ये इतनी ईजिली नहीं करती हूँ. अगर ये मैं करती हूँ तो मतलब आई एम रियली रियली हंग्री. बट एनीवे, कभी कभी खुद के काम करने चाहिए गाइज. कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ये टाइम होता है जब मैं सबसे ज्यादा फ्री होती हूँ. इस टाइम पे मैं अपना कॉन्टेंट, अगर मेरे को मन करता है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है. एंड इफ आई हैव टाइम आई कॉल माई फ्रेंड्स, आई कैच अप विद देम. मजा आता है इस टाइम में. एंड यूजुअली मैं मम्मा के साथ कभी मूवी देख लेती हूँ, कोई सीरीज देख लेती हूँ. सो आई रियली एंजॉय दिस टाइम अ लॉट. वीकेंड्स मेरी लाइफ के थोड़े ज्यादा हेक्टिक होते हैं, बिकॉज उसी टाइम पे मैं मेजर काम करती हूँ, शूटिंग, फिल्मिंग एंड एडिटिंग का. एडिटिंग में कुछ कुछ चीजें आउटसोर्स भी करती हूँ, मैक्सिमम चीजें आउटसोर्स भी करती हूँ. सो मेरे वीकडेज लगभग कुछ ऐसे ही होते हैं. ये मत बोलना कि कितना बोरिंग था, बिकॉज आई नो ये बोरिंग था, बट ये जितना बोरिंग था ये उतना ही रियल भी था. एंड यस, मतलब थोड़ा रूटीन 19-20 होता है, जैसे कि मैं कभी कभी योगा कर लेती हूँ, कभी गलती से वॉक करने चली जाती हूँ, कभी कभी गलती से अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देती हूँ. जस्ट किडिंग, मैं ट्राई करती हूँ बहुत ज्यादा. एनीवेज, सो मैं मम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ सोने से पहले एंड देन आई गो टू स्लीप. सो सोने से पहले, एज आई सेड, मैं कुछ कुछ चीज़ें प्लान भी कर लेती हूँ. फोन पे बात करते हुए भी मैं प्लान कर लेती हूँ, बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग. हाँ, सो यस, दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी. आई नो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग वीडियोज ऑफ अ डे इन माई लाइफ, यूट्यूब पे तो एटलीस्ट, बट ये सच में रियल था जो था. एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई बोरिंग अ डे इन माई लाइफ विद यू गाइज. सो यस, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज.